अफ्रीका के घने जंगल के ऊपर से हवाई जहाज उड़ाता हुआ ये पायलट वोडका पीकर बोतल खिड़की से नीचे फेंक देता है और वो बोतल एक आदिवासी के पास जा गिरती है। आदिवासी को लगता है कि आसमान से आई ये नायाब चीज ईश्वर की तरफ से उसके लिए तोहफे में भेजी गई है। फिर वो उस बोतल को ईश्वर का तोहफा समझकर अपने कबीले में ले जाकर कबीले के बाकी सदस्यों को दिखाता है। उस बोतल को देखकर सभी आदिवासी हैरान रह जाते हैं। इस नायाब चीज से इन आदिवासियों की जिंदगी काफी आसान हो जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इन सालों को इस नायाब चीज की लत पड़ जाती है। ये साले इस बोतल के इतने आदी हो जाते हैं कि बिना इस बोतल के ये कोई भी काम नहीं करते थे। इसी दौरान इस बोतल को पाने के लिए ये साले आपस में झगड़े करने लगते हैं। तब रमलू को लगता है कि ये बोतल कोई नायाब तोहफा नहीं है बल्कि ये कोई श्रापित चीज है। फिर रमलू गुस्से से बोतल को उठाकर भगवान को बोतल वापस करने के लिए बोतल को आसमान की तरफ फेंक देता है, मगर बोतल वापस आकर रमलू के सिर पर गिर पड़ती है। रमलू को और गुस्सा आ जाता है और गुस्से में भगवान को बोतल वापस करने के लिए बोतल को आसमान में उछालता है, लेकिन इस बार बोतल रमलू के बेटे के सिर पर गिर जाती है। फिर रमलू रात में सबको एकत्रित करके मीटिंग करता है और बोलता है कि ये बोतल श्रापित है, शायद ऊपर वाले ने गलती से इसे हमारे पास भेज दिया है। मैं इस नायाब बोतल को दुनिया के आखिरी छोर पर फेंक कर आऊंगा। कई दिनों के लंबे सफर को तय करने के बाद रमलू बादलों से भी ऊंचे पहाड़ के किनारे पर पहुंच जाता है और उसे दुनिया का आखिरी छोर समझकर उस नायाब बोतल को फेंक देता है।